मेरा नाम शशिलता पांडे है, पसाभाटा की निवासी हूँ मैं, और मैं यहाँ 84 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और जब आए थे तो हरा भरा मैदान था बढ़िया यहाँ, और बच्चों के खेलने के लिए भी डैम के ऊपर लोग जाया करते थे। हमारे पास गाय भी थी, 5-6 गायें थी, जिससे हमको कोई समस्या नहीं था दूध का। बाद में डैम में जब राखड़ और कास्टिक भरने लगा तो गाय भी लुप्त होने लगी, और पता चला कि जब देखे तो गाय एक दिन दो दिन बाद आ जाएगी गाय, ऐसे हम लोग मेरे को लगा। फिर वहाँ देखी तो गाय फंस के मर चुका था गाय, और कई बच्चों का भी मौत हो गया है वहाँ। कोरबा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि ये पिटी ठेरिया होने के कारण यहाँ पे देश का सबसे ज़्यादा कोल माइंस है, और कोल माइंस होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर प्लांट है, और पावर प्लांट्स के अपने एक प्राइस हैं पावर के, वो है फ्लाइस इस समस्या शहर के लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, लेकिन उसका ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो होता नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार जो फ्लाइस है उसका 2016 के बाद में 100% यूटिलाइज हो जाना चाहिए, इस डाइक पे इसका डिस्पोजल होना नहीं चाहिए। जबकि इसके जस्ट विरुद्ध क्या होता है कि 100% डिस्पोजल होता है, यूटिलाइज तो 1% नहीं होता है। मैं मुंबई वैष्णो परसावाटा से 41 नंबर वार्ड, हमें यहाँ 30 वर्ष हो गए रहते, और हमें राखड़ की समस्या काफ़ी दिनों से है। जब से इस बस्ती में हैं तब से राखड़ की समस्या है। जैसे गर्मी की सीजन होती है, हवा चलने लगे, समझो कि राखड़ उड़ना स्टार्ट। इससे पानी भी दूषित है, और रहन सहन वातावरण में काफ़ी प्रभावित हैं, और हमें इससे दिक्कत होती है, आए वर्ष होती है। और इसके लिए बात रखते हैं, हम कलेक्ट्रेट तक गए, थाना में घिराव करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होती। थोड़े दिनों के लिए हमें कष्ट से तो सहायता मिलती है, वो बोलते हैं कि चलो ठीक करा रहे हैं, पानी डलवा रहे हैं, मिट्टी डलवा रहे हैं, परंतु उसको लेयर पर लेयर देते जा रहे हैं, 5 लेयर की हो चुकी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे किसी भी कैटेगरी का प्लांट हो, उसको चालू करने के लिए हर साल लाइसेंस को रिन्यूअल करना पड़ता है। एयर और वाटर पॉल्यूशन में कंसेंट टू ऑपरेट जो होता है हर साल रिन्यूअल होता है। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जनरेशन कंपनी का 440 मेगावाट का जो प्लांट है, वो लास्ट 13 ईयर से विदाउट कंसेंट, विदाउट लाइसेंस चल रहा है। अब इससे ज़्यादा वायलेशन क्या हो सकता है। वैसे ही 840 मेगावाट का उनका दूसरा प्लांट है, उसको समझ लीजिए कि लास्ट 4th ईयर से लाइसेंस ही नहीं है चलाने का। और हम बाकी वायलेशन की बात क्या करें, हम इस चीज़ को लेके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस लड़ रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हमारे केस फाइल करने के बाद में एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड ने उस प्लांट को शट डाउन करने का आर्डर जारी करता है, तो एनजीटी उस पर उल्टा बैन कर देती है, स्टे दे देता है बोर्ड को। जब प्रेशर डाल के, हमारे प्रेशर डाले में बोर्ड उस प्लांट को बंद करता है, तो जिस ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, वो उस प्लांट को चलाने के लिए स्टे कर देता है। तो ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। जो बालकों का राखड़ का प्रदूषण के चलते एक परेशानी नहीं है, कई परेशानी है। जमीन के परेशानी अलग है, काबर की पहले जमीन के हिसाब में जिसे 1 एकड़ 25 कुरु के जमीन बनते 1 एकड़ है, तो हर कम से कम 30 बोरा धान बने, 25 कुरु के जमान खेत है, 30 बोरा धान निकले। लेकिन अभी ओला 30 में 15 बोरा भी 10 बोरा भी होना मुश्किल हो गया, काबर की राखड़ के चलते वो जाम हो जाते। दूसरा बात में राखड़ अभी हमारे ग्राम के जितका भी आम जनता है, डेली कम से कम 100 ग्राम तो राखड़ रोज खा, तो बकाबर की उड़ात तेकर चलते सांस ले आते तो राखड़ तो खाने खाना है। खेत में धान भी नहीं होना, ऊपर से नौकरी भी नहीं मिलना, तो परिवार ले पाले बा तो कोई भी उपाय करे चले पड़ते। तो हम कहन के रोड किनारे चले जाइए और साइकिल उकिल पंचर बना के अपन बाल बच्चे के पालन पोषण करना है। कोरबा में पर एनम करीब करीब 2 करोड़ टन एस जनरेट होगा। अब बेसिक जो सोर्स है एस यूटिलाइजेशन का, वो पोर्टलैंड पोलोजिना सीमेंट है। पोर्टलैंड पोलोजिना सीमेंट में 80% क्लिंकर और 20% फ्लाइस बटम एस को मिलाया जाता है।
पूरे छत्तीसगढ़ में हम पोर्टलैंड पॉलीजन सीमेंट की कैपेसिटी देख लें तो वो 1,84,00,000 के आसपास है। तो उसमें से हम 20% ही उसमें हम यूज़ करते रहते हैं फ्लाइज, तो मास 36 से 37 लाख टन होता है। तो कोरबा में जो सिर्फ कोरबा में गैस जनरेट हो रहा है उसका 5% नहीं हो रहा, तो बाकी फिर कहाँ जा रहा है। तो हमारे सामने हमने देखा कि 99 का जो नोटिफिकेशन बोलता है गैस यूटिलाइजेशन का, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने खुद कह रखा है कि आप जो ओवरबर्डन है, जब हम कोयला निकालते हैं, कोयला निकालने से जो ओबी निकलता है उस ओबी के साथ में वेट टू वेट वॉल्यूम टू वॉल्यूम फ्लाइज को मिलाइए और बैकफिल कीजिए। और हमारा भी मानना है कि आज की डेट पे उससे ज़्यादा और समस्या समाधान नहीं है, इस समस्या के समाधान का उससे अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन कोल इंडिया का मैनेजमेंट अपना कास्ट प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना चाहता और पावर प्लांट भी अपना कास्ट प्रोडक्शन नहीं चाहते। ठीक है, हम मान रहे हैं कि पावर जनरेशन से फ्लाइज निकलता है, फ्लाइज निकलता है, लेकिन बेसिकली प्रोडक्शन किस करते हैं, प्रोडक्शन तो आखिर एंड यूजर उसके लिए दोषी है। तो जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन करता है SECL, जो कोल इंडिया है, वो भी तो दोषी है। तो अभी हम ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस बात को रखे हैं कि क्यों ना भाई ओवरबर्डन के साथ में इसको बैकफिल किया जाए और इसको मिला दिया जाए जो इसकी समस्या है। क्योंकि आने वाले टाइम में कोरबा शहर में हर साल आपको 5,000 से 1,000 एकड़ जमीन फ्लाइज के लिए लगेगा, एस डाइक के लिए लगेगा, और उसके लिए आपको फॉरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर लैंड बर्बाद करने पड़ेंगे। तो जो जमीन पहले से बर्बाद हो चुकी है उसका उपयोग करने में क्या जा रहा है। इसी कंसर्न पे हम और आगे बढ़ते गए हैं। तो हमने देखा लॉ बोलता है कि 500 मेगावाट का पावर प्लांट है तो उसकी जो स्टेक की हाइट होगी, एमिएशन हाइट जो होगी, वो मैक्सिमम 250 मीटर 270 मीटर तक जाएगी, ये है। हमने देखा जब इस दौर पे जब हम एनजीडी में हमारा केस चल रहा था तो हमने पाया कि इन्वायरमेंट बोर्ड ने एस डाइक की हाइट को 350 मीटर तक बढ़ाने का परमिशन दे रखा है। आप सोचिए कि 250 मीटर के एमिएशन जब स्टेक से एमिएशन निकलता है तो कितने दूर तक कितना प्रभावित करता है। 1,000 एकड़ में फैला हुआ एस डाइक अगर 350 मीटर ऊपर चले जाए, जब तो कल शहर में आंधी चलेगा तो पूरा शहर में सिर्फ राख पड़ जाएगा। तो ऐसे भी उसके लिए विदाउट कोई गाइडलाइन नहीं है, सबसे आश्चर्य की बात है। ये जो नदियाँ हैं यहाँ, नदी में देखिए, नदी एक प्राकृतिक संपदा है और जिसमें पूरे परसा भाटा वासी नेहरू नगर से जुड़ा है, बिलगढ़ी नाला, जहाँ जहाँ तक ये नदी का मतलब बहाव है वहाँ वहाँ जो गांव बसता हुआ है तो वो लोग इसका निस्तार करते हैं नदी में। और नदी में बालकों के प्रबंधन के द्वारा नदी में गंदा पानी छोड़ा जा रहा, मतलब सेफ्टी का पानी छोड़ा जा रहा। तो देखिए प्राकृतिक संपदा है, आप तालाब बना सकते हैं, कुआं बना सकते हैं, सब डैम बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन नदी आप नहीं बना सकते। मेरा नाम सुल्तान कुरैशी है, मैं 1970 से मछली का ही व्यवसाय करता रहा, धंधा करता रहा, और इधर पे जो भी ठेका इधर होता है आजकल, पहले तो ठेका नहीं होता रहा, पहले फिशरी डिपार्टमेंट के अंडर में था जब तक यहाँ का हिसाब बहुत अच्छा था और सब जी खा रहे थे यहाँ पर। और जब से मतलब ये प्लांट बनने से जो राखड़ इधर पे आकर के जो डैम में भरी है उसकी गहराई बिल्कुल कम हो गई, अब डैम जिसमें मछली पालन होना मुश्किल हो गया, मछली के खाने का जो उसमें रसायन थी वो रसायन भी ख़त्म हो गई। पहले चीला वगैरह इसमें होता था, वो चीला वगैरह अब होता नहीं है क्योंकि राखड़ की वजह से कुछ मतलब ऐसी पैदावार होती नहीं है और उसकी गहराई होने की वजह से। और पहले फिजी डिपार्टमेंट इसमें बच्चा डालता था तो बच्चा भी अच्छा होता था और मतलब लोग बातें, एक दो बार लोगों ने ठेका लिया, हमारे भांजे ने खुद ठेका लिया था इसका, उसने भी बहुत बच्चा इसमें डाला लेकिन सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मतलब जो उसमें राखड़ की वजह से वो बच्चा मतलब होता नहीं, मतलब 2 लाख 5 लाख बच्चे डालने में मुश्किल से 1,000-2,000 बच्चे 10-20 हज़ार बच्चे बचते थे, बाकी नहीं बचे, सब खत्म हो गए। उसके बाद वो उसने भी धंधा छोड़ दिया, मतलब वो खैर दुनिया से ही चला गया। उसके बाद दूसरे लोग ले रहे हैं, कई पार्टियां आई, मतलब सब फेल हो जा रही हैं क्योंकि इसमें बच्चा भी डाला नहीं जा रहा है, बच्चा पल भी नहीं रख पा रहा है इसमें क्योंकि राखड़ इतनी हो गई कि मछली को थोड़ी गहराई चाहिए, अच्छा चाहिए। अब मुश्किल से कहीं 5 फुट पानी है तो कहीं 7 फुट पानी है, जहाँ 2,500 फुट पानी नदी में रहता था आज 5-7 फुट पानी में ये डैम मतलब बना हुआ है। और इसमें वो भी उसके लिए फिर सिंचाई के लिए पूरा पानी का मतलब जाना
तो सब चीज तो उसमें मतलब लगा हुआ है ना, हर चीज को जाना। वो तो बांगों की वजह से रिजर्व है बोल करके तो मतलब इधर आके पुट्टी हो रहा है, वो भी कितना मतलब गहराई में, उधर भी ठेका उधर भी आजकल मछली पहले जैसे नहीं मिली। ये जब से प्लांट मतलब बने से, और ये जो MPV का जो प्लांट बना CSB का, इसकी जो राखड़ उसमें गई और जो डैम बना रहे हैं, कभी वो फूट जा रहे हैं तो खेतों में भर जा रहा, खेतों के जरिए मतलब नदी में आ जा रहा, तो अब एक ही तो मुहावरा मतलब उसी में सब जाकर मतलब समा रहे हैं। इसी तरीके से पूरा का पूरा मतलब खेल इधर का खराब हो गया। इस एरिए में इधर से ले करके मैं बिजरा घाट तक मतलब मछली लेने जाता था, दोनों साइड करके कम से कम 200-300-400 आदमी थे पूरे, यानी नदी के किनारे के जितने भी मतलब बसने वाले लोग हैं, करीब करीब हर गांव का 25% आदमी मछली मार के ही जीता था। वो यानी जात से कोई मुराद नहीं है कि वो केवट है तो ही मार रहा है, धनवार है तो भी मार रहा है, राउत है तो भी मार रहा है, मगर महंत है तो भी मार रहा है मछली, ठाकुर है वो भी मार रहा है मछली, मतलब उसका मतलब वही धंधा था, उसी से उसका गुजर बसर, उसके बच्चे पलते थे। और आज कुछ भी नहीं है, कभी हम लोग आंध्रा की मछली कभी नहीं बेचते थे, ना तालाब की मछली हम लोग को पोसाती थी, कौन जाएगा लेने के लिए, यहीं पे इतना मिल जाती थी कि मतलब दिन भर आती रहती थी, हम लोग बेचते रहते थे, दिन भर आती रहती थी, 2 किलो 5 किलो लेके आ रहा है आदमी, यही दुकान लगी है लाया इधर बेच रहे, उसमें हमारे को बचत हो जाती थी, बर्फ़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ताज़ी जिंदा मछली देख के कोई भी आदमी मतलब ले लेता था, 2 पैसा आदमी कमा लेता था, मारने वाले का भी मतलब काम चल जाता था, बेचने वाले का भी काम चल जाता था, और खाने वाले को भी अच्छी चीज़ मिल जाती थी। अब तो 3 दिन में ये मछली पहुँचती है भैया, वो तो अगर बर्फ़ का अगर उसमें ये ना रहे तो किसी का भी ना रहे। ये जो फाइनेंस नोटिफिकेशन है इसमें बोला गया है कि जितने भी लिपिटेड एरिया में है वो पावर प्लांट वास्कोल यूज़ करें। वास्कोल यूज़ करने का कंसेप्ट ये है कि उसमें एस की मात्रा कम हो जाएगी, एस कंटेंट कम हो जाएगा, 30 जो एनर्जी कोल कोक है जो भी हम यूज़ करते हैं ई-ग्रेड का, उसमें 45% एस होता है, कोल जो वास होने के बाद में उसमें एस कंटेंट कम हो जाता है। तो सबसे आश्चर्य की बात है, एक तरफ मिनिस्ट्री बोल रहा है कि पावर प्लांट वास्कोल यूज करें, एस कंटेंट कम होगा, दूसरी तरफ सब उसी जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट उस रिजेक्ट कोल में वास्क के प्रोसेस में 20% कोल रिजेक्ट निकलता है जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, तो उस रिजेक्ट कोल पे पावर प्लांट लगाने का परमिशन दे रहा है जिसमें एस कंटेंट 75% होता है। तो हमारी जमीन से कोयला भी यहीं निकालिए, कचरा भी यहीं छोड़ के जाइए और राखड़ भी यहीं छोड़ के जाइए। तो ये सारे चीज़ें अभी कोरा में चल रहा है, और साथ में भी हमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद में जो डिलोकेट हुए थे कोल ब्लॉक और रिच जो फॉरेस्ट है साल के, फिर उनको दोबारा एलॉटेड किया जा रहा है। हमारा मानना है कि कोई पीट हिट एरिया है जहाँ SECL की माइंस है। आपको पता होगा कि देश के 3 बड़े सबसे बड़े माइंस ग्योरा आपको 45 मिलियन टन, डिपका 35 मिलियन टन, कुसमुंडा 26 मिलियन टन, यही मिला के 100 मिलियन टन से ऊपर का कोयला प्रोडक्शन सिर्फ एक जगह से हो रहे हैं। तो आपको ग्रीन बेल्ट को छेड़ने की क्या जरूरत है? आप एक कंसेंट बनाइए कि भाई आपको क्या चाहिए। कंसेंट माइनिंग की बात कर रहे हैं, जब आपके पास इतने बड़े सोर्स हैं ब्राउन बेल्ट में तो आप ग्रीन बेल्ट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप देखेंगे कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो इसके साथ में फिर जब देश का सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से निकल रहा है तो फिर सबसे ज़्यादा ज़मीन भी लगेगी, जब सबसे ज़्यादा ज़मीन लगेगी तो सबसे ज़्यादा लोग विस्थापन होगा, फिर उनकी समस्याएं हैं। हमारी आधी लड़ाई तो भूस्थापितों की लड़ाई है, उनकी नौकरी उनके रोजगार, ऐसे ऐसे नियम है कि सुन के मतलब आपको आश्चर्य होगा कि 74 में ज़मीन लिया गया था, अभी 2018 में हमारा माइनिंग हो रहा है, तो क्यों लिया आपने 40 साल पहले ज़मीन? आज की डेट में उसको लेते 3 साल की प्रक्रिया है, 20 लाख रुपये एकड़ मिलता, खुशी खुशी देता, नौकरी करता। आपने लैंड बैंक बना के रखा था, 40 साल पहले ले लिया था बिना प्लानिंग के। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। कोल बेयरिंग एक्ट में जैसे ही सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन होता है कि इस एरिया में कोयला है, वैसे उस क्षेत्र में जमीन की खरीद फिक्री बंद हो जाती है। उदाहरण तक ग्योरा का जो एक्सपांसन है 35 मिलियन से 40 का, उसमें 2001 में सेक्शन 4 का पब्लिकेशन हुआ।
आज 2018 हो गया है, उसमें से आधे गांव का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, ना उनका रोजगार हुआ ना सेटलमेंट हुआ है। वो अपनी ज़मीन पे अनाथ है, ऑर्फन देन ऑन लैंड, ना वो अपनी ज़मीन को खरीद सकते ना अपनी ज़मीन को बेच सकते। मान लीजिए किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, अपनी ज़मीन बेचना है तो बेचते नहीं सकता, और ऐसी इसलिए उसको मुआवजा भी नहीं दे रहा है। बच्चे भी प्रभावित होते हैं, इनकी देह में खुजलियाँ होती हैं, खांसी वगैरह होते हैं, नदी की पानी नहाने योग्य है ही नहीं। अभी तो निगम से हमें पानी की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से हम अपने घर में सुविधा से गुंजाइश करते हैं, परंतु उसके नहीं आने के वजह भी अभी भी उसके बावजूद हम नदी से ही कुछ इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने की सुविधा। तो ऐसा है कि यहाँ वातावरण दूषित होते हुए हमें जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। समस्याएं तो हैं हमारे साथ, पर हमारी सुनवाई की जो है बहुत, अब थोड़ी समय के लिए यहाँ वहाँ करके पानी वगैरह डलवा देते हैं, मिट्टी डलवा देते हैं, बाकी हमारी इसकी अंत हो ही नहीं सकती। हमें जब तक रहना है तो राखड़ से जूझना है। तो अब इसके लिए हम चाहते हैं कि बस्ती में कुछ सुधार गति हो और हमारी कष्ट के लिए कहीं सुनवाई हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। पॉल्यूशन से बीमारी हो रहा है, इसको इस्टेब्लिश करने का कोई तरीका नहीं है। होता क्या है कि भाई सर्दी होती है, सबको समझ में आ रहा है फलाने कारण सर्दी हो रही है, मलेरिया हो गया, काटने से हो गया है, लेकिन पॉल्यूशन के कारण में जो हेल्थ पे असर पड़ रहा है उसको इस्टेब्लिश करने का कोई डायरेक्ट अभी तक कोई इसके लिए इंडिकेशन नहीं बना है। लेकिन बातचीत से ये चीज साफ हुआ है कि जो आदमी साल में 3 बार जाता था डॉक्टर के पास में, अब वो 10 बार जा रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन। ये इम्पैक्ट है बच्चों में, बच्चों को झड़ना है, सांस की बीमारी है, खुजली है, चर्म रोग है, बाल झड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं कारण से हो रहा है।